ये नाजुक सी लड़की बैग उठा के जा रही है, यार हाथ में नहीं उठाया गया, चला के जा रही है सॉरी। अब नीचे भी लेके जाओ इसको। हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रिहुल वेलकम्स यू अगेन ऑन अ न्यू डे एंड ऑन अ न्यू ट्रिप। सो आज हम हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। बहुत ज़्यादा हमने होमवर्क किया है ट्रिप प्लान करने से पहले। सो हम लोग शिरडी जा रहे हैं विद फैमिली। तो हमने जो ट्रेन चूज़ करी है वो है गोवा एक्सप्रेस। पीछे खड़ी है देखो अच्छी लग रही है। इसके सारे कोचेस चेंज हुए हैं, LHB कोचेस यूज़ हुए हैं। ट्रेन इज़ लुकिंग वेरी गुड, अंदर से भी बहुत अच्छा, लाइक क्लीनिंग सब अच्छा है। और ये हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है तो वास्को डी गामा तक जाती है। बीच में कोपरगांव रेलवे स्टेशन उतरेंगे, वहीं से अराउंड 10 या 14 किलोमीटर्स है शिरडी के लिए। बट अभी हम आपको ट्रेन दिखाते हैं। पापा को शक्ल देखो, तकी आ रही हो रखी है। आपको यहाँ पे सारी कन्वीनियंस मिलेगी। हर सीट पर एक बेडशीट, एक पिलो एंड एक ब्लैंकेट मिलेगी, विच आई थिंक इज इनफ पूरी जर्नी के लिए। राहुल साढ़े 4 हो गए हैं दिन के, 4:30 बज रहे हैं। चाय कॉफी ओनली कॉफी। अभी तो पूरे 18 घंटे बाकी हैं। रोहन का सब देखो वाइदा ऊपर बोला, बेचारे बैठ भी नहीं पा रहे तुम। डैडी दादी ऐसे बोलो कॉफी पी लो। चले गाइस, ये है हमारी ट्रेन। जब चलेगी ना मैं भागते होऊंगा तो मुझे पकड़ना। गाइस बहुत बढ़िया ट्रेन है ये गोवा एक्सप्रेस। हमारा M3 कोच है, इसे AC इकोनॉमी कोच बोला जाता है। ये दूर से हमारी ट्रेन देखो, ये जो ऑरेंज कलर के कोचेज हैं ना, एक्चुअली ये न्यू LHB कोचेज हैं जो यूज़ किए गए हैं इस ट्रेन में। अभी शायद 2023 में ये इम्प्लीमेंट हुए हैं, बट अंदर से पूरा नया हो गया। क्लीनिंग बहुत अच्छी है, वॉशरूम्स बहुत क्लीन है, खाने की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ये देखो ये पोज मार रहे मेरी जगह ट्रेन में। चल पड़ी, चलो। बहुत सारा ब्रेकफास्ट करके खुश होते हुए और हम शिरडी पहुंचने वाले हैं कुछ ही घंटों में। धूप चाहिए, जादू को धूप, जादू को धूप चाहिए धूप। सुबह अगले दिन के 10 बज चुके हैं और अब हम अभी भी ट्रेन में हैं। यह सबूत हम बैठे हैं साइड वाली सीट पे। ऐसा लगता है अपना ही है, सब अपना ही है। मम्मी से चुरा के बैठे। गाइस बहुत ही बढ़िया सफर रहा हमारा। रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं फाइनली। भाई साहब बहुत थक गए थे हम ट्रेन में, 21 घंटे बाद पहुंचे हम लोग। अभी यहां से हमें टाइम लगेगा, यहां से भी अभी 1 घंटा है वहां पहुंचने में। देखते हैं, लाओ मुझे दे दो ये बैग। बेचारा राहुल, राहुल ले रहे, पापा हो रहे, मम्मी दादी पीछे पीछे हैं, इसी भीड़ में है कहीं मम्मी और दादी दिख नहीं रहे मुझे तो ऐसे। तो 20 घंटे के वेट के बाद हम लोग पहुंच गए हैं कोपरगांव रेलवे स्टेशन। हेक्टिक तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज सारी कन्वीनियंस थी ट्रेन के अंदर।
तो मज़ा आया, इट वॉज अमेजिंग ट्रिप। बाकी अब जाके देखते हैं। कोपरगांव रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको ये ऐसे ऑटोज दिखेंगे। यहाँ से आपको जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल ऑटो करना है शिरडी के लिए तो 600, अदरवाइज 100 पर पर्सन के लेते हैं ये लोग। बाकी देखते हैं अब क्या मिलता है। चलो दादी, चलो चलो आओ। आपका फैमिली बैठेगा इधर। अच्छा, सो हम ये बैठ चुके हैं फटफटिया में। चार ऐसे बैठते हैं, चार ऐसे बैठते हैं। मैं तो सिर्फ फटफटिया ही बोलती हूँ। ओह, 200। सो पहुंचने के बाद हम सीधा होटल गए, देन हम सब रेडी हुए एंड होटल के आसपास ही हमने लंच किया। सो अब हम जाएंगे साई बाबा जी के दर्शन के लिए, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो सी यू, टाटा बाय।